इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ईसीजी सीपीओ के एग्जामिनेशन की इंटरव्यू के बारे में, जो कि नेक्स्ट वीक में होनी है। काफ़ी कम समय हमारे पास में, लेकिन फिर भी 1 हफ्ता है। तो हम लोग वो टॉपिक्स को देखेंगे कि क्या क्या इंटरव्यू में आ सकता है, क्या क्या पूछा जा सकता है। मेरे हिसाब से जो लोग भी ईसीजीसी का इंटरव्यू देने वाले हैं, वो लोग पढ़ तो चुके ही होंगे, लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसा टॉपिक दिखता है जो कि हमने यहाँ पे लिखा है, तो आप उसको एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि काफ़ी करंट अफेयर्स के ऊपर में क्वेश्चन पूछते हैं। और जैसे जितने भी हमारे रेगुलेटर्स होते हैं, ईसीजीसी की एग्जामिनेशन होती है, सिडबी की, आरबीआई की, उसमें इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और होता क्या है कि लोग थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं कि इसको कैसे टैकल करें, नहीं करें। तो हम लोग यहाँ पे केवल टॉपिक्स देखेंगे जिसको आपको खुद से पढ़ लेना है। न्यूज़पेपर के कुछ टॉपिक होंगे, कुछ इकोनॉमी के टॉपिक होगी, कुछ इंटरनेशनल अफेयर्स भी होगा, ठीक है। आगे चल करके अगर उस पर समय हुआ तो वीडियो भी लेकर के आएंगे, लेकिन एटलीस्ट टॉपिक यहाँ पे देखने पे आपके प्रिपरेशन में कुछ तो मदद मिल जाएगी। पहला जो हमने देखा ना कि ये बजट और इकोनॉमिक्स, मेरे हिसाब से जो लोग भी प्रिपरेशन करे वो इसको कवर अप कर ही चुके होंगे, लेकिन फिर भी बजट से बेसिक क्या क्वेश्चन देखिए घुमा फिरा के। कभी भी एक चीज़ याद रखिएगा कि आपसे फिगर्स, फैक्ट, ये सब नहीं पूछते पेपर में, खासकर बजट इकोनॉमिक सर्वे। क्या पूछ सकते हैं कि जीडीपी का प्रोजेक्शन क्या, जीडीपी रहा क्या, टारगेट्स वगैरह कुछ, लेकिन एग्जैक्टली नहीं कि चलो इसके लिए कितना फंड दिया, उसके लिए कितना फंड दिया, ये सब इतना डीप नहीं पूछते हैं। पूछे भी तो आप बोल सकते हो सर नहीं दिमाग में, वो बॉदर नहीं करेगा बिल्कुल भी, लेकिन हाँ कंसेप्ट ओवरव्यू ये तो दिमाग में रखना ही होगा आपको। तो बजट का बेसिक कंसेप्ट ये पहला, ये बहुत ज़रूरी है कि बजट होता क्या है, बजट क्यों लेकर के आते हैं, कौन लेकर के आता है, कब लेकर के आता है, कैसे लेकर के आते हैं, बजट प्रिपेयर कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये सब जितने भी चीज़ें हैं ना, इसका आपको थोड़ा सवाल जवाब अपने दिमाग में रखना होगा। ओवरऑल रिव्यू मतलब जो बजट ये रहा हमारी सेशन का 17-18 का या 18-19 का, जो भी आप कहो कि कैसा रहा और कैसा रहने चाहिए था, आपके हिसाब से कैसा रहना चाहिए था। आपके सजेशन बार बार पूछे जाएंगे, क्या लगता है आपको कि एग्रीकल्चर में अच्छा रखा गया नहीं रखा गया, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार करते हैं। बजट में प्रोज एंड कॉन, क्या अच्छा बजट में रहा, क्या आपको पसंद नहीं आया, तो अगेन आपका ही पॉइंट ऑफ व्यू। कई कई पूछते हैं कि इस बजट से कॉमन मैन को क्या फ़ायदा मिलेगा, ऐसा बहुत बार इंटरव्यू में ये मेजोरिटी टाइम पूछा गया है कि कॉमन मैन को क्या फ़ायदा मिलेगा, गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा मिलेगा, बिजनेस करने वालों को क्या फ़ायदा मिलेगा, एग्रीकल्चर के सेक्टर में क्या फ़ायदा मिलेगा। इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो सेक्टर हैं उनके ऊपर हम सवाल कर सकते हैं। तो थोड़ा इसको दिमाग में रखेंगे कि हाँ ये इसमें पर्टिकुलर किसी का फ़ायदा नुकसान कैसे हो रहा है। यहाँ फ़ायदा ना पूछ के हो सकता है कि क्या लॉस हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, कॉमन मैन का क्या नुकसान इस बजट से, आपको उसके लिए रेडी रहना होगा। तो एक रफ ओवरव्यू बजट का ले लेंगे ना, तो आप ये सब जवाब दे सकते हो, और नहीं भी तो फिर भी आपको आंसर तो करना ही है, तो थोड़ा स्मार्ट आंसर बस होना चाहिए जो कॉमनली हर कोई एक्सेप्ट कर सके। फैक्ट हटा करके भी आप अच्छा आंसर बना सकते हो। इकोनॉमिक सर्वे भी, इसमें तो डेटा ज़्यादा होती है, लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ने का है, हल्का फुल्का। तो ओवरऑल एक पढ़ लेंगे ना कि जीडीपी क्या रहा, कैसा टारगेट था, कैसा हमने अचीव किया। फ्यूचर गोल्स इकोनॉमिक सर्वे में हमेशा रखते हैं कि नेक्स्ट साल तक हम ये कर लेंगे, तो उसको भी याद रखिएगा। हालांकि ये तो पिछले साल का एनालिसिस होता है, लेकिन इसके एंड एंड में ये बताते हैं कि अगले साल तक हम ये सोचना चाहते हैं, तो उसको भी देखेंगे। आपका क्या ओपिनियन रहा कि क्या होना चाहिए था, क्या हुआ, क्योंकि ये तो पूरा लेखा जोखा है 1 साल का, तो कहाँ मिस्टेक हुआ हमसे, कहाँ क्या हम चूके, वो सब चीज़ें भी यहाँ पे होती हैं। कंसेप्ट तो इसका भी देखना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं ईसीजीसी, अगर पेपर ईसीजीसी का है तो इसके बारे में तो जानकारी होनी चाहिए, तो पूरा डिटेल, ठीक है, कैसे काम करता है, क्या स्ट्रक्चर है, कहाँ कहाँ पर है, किस किस सेक्टर में प्रेजेंस बना के रखें, इनकी हिस्ट्री के बारे में, कब शुरू हुआ, रोल इन इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो आपको ट्रेड प्रमोट करती है, तो इकोनॉमी में कैसे अपने आप को बैठाए हुए है, कितना अच्छा रोल प्ले करती है, आपको ये समझाना होगा। ट्रेड कैसे कैसे प्रमोट करती है, ठीक है, खासकर एक्सपोर्ट में ये जितना इम्पोर्टेंट रोल। और अभी आप देख रहे होंगे जैसे जो हमने देखा ना पीएनबी, इसमें भी देखेंगे ये पीएनबी स्कैम के बाद में, ये जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है, तो कहीं ना कहीं वो केस थोड़ा बहुत उससे जुड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली आपसे सवाल करेंगे कि कुछ तो जोड़ो, जो पीएनबी का केस हुआ, फ्रॉड का हुआ, उसको ईसीजीसी से कुछ तो जोड़ो, कुछ तो लिंकेज निकलेगा, क्योंकि एक्सटर्नल ट्रेड में ही आती है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के केस में आती है, तो पूछ सकते हैं कहीं कहीं। रोल ऑफ ईसीजीसी पीओ, एज ए पीओ आप क्या करोगे, कैसे नहीं, तो ये सब चीज़ आपको मिल जाएगी इनकी वेबसाइट पर, वहाँ से आप करोगे। ये बेसिक और बैंकिंग तो फिर पूछते ही है, जो लोग प्रिपरेशन करे वो लोग ये सब चीज़ कवर अप कर चुके, फिर भी
जो खासकर क्वेश्चन पूछते हैं बैंकिंग से, वो ब्रॉडर वे में मॉनिटरी पॉलिसी ज़रूर पूछेंगे। इसका भी पूरा कंसेप्ट कैसे होता है, कब क्या इस्तेमाल करते, बहुत सारे टूल्स हैं मॉनिटरी पॉलिसी में, तो इस मॉनिटरी पॉलिसी को अच्छे से करेंगे। बैंक का वर्क फंक्शन अपना, बैंक क्या है, बैंक कैसे करती है, बैंक जो भी करती है क्यों करती है, मेरे हिसाब से आप समझ रहे होंगे। बैंक का इकोनॉमी में रोल क्या है, सोशल सर्विस स्कीम्स में कैसे, जैसे आप देख रहे होंगे अभी जितनी भी सोशल सर्विस स्कीम है, सुकन्या समृद्धि, सब चीज़ सब कौन करती है, बैंक इंप्लीमेंट कराती है, तो इसको भी अपने आप को दिमाग में रखना है। लेकिन बैंक में ECGC या रेगुलेटर्स ये सब पे ध्यान नहीं देते, ठीक है, तो ये भी थोड़ा दिमाग में रखेंगे। डिजिटल बैंक ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो फिक्स यहाँ से कुछ ना कुछ आपसे पूछना ही, उसको ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजिटल बैंकिंग को आप पूछेंगे, जैसे UPI वगैरह हो गया ना, कैशलेस इकोनॉमी का फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, ठीक है। NPA ये तो दिन ब दिन बढ़ रहा है, एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, और देश का भी बैंकिंग सेक्टर का हाल बुरा है, इसके वजह से सब चीज़ को एटलीस्ट इतना कवर करेंगे। बाकी तो जो प्रिपरेशन में है वो तो सब उनको पता ही होगा। गवर्नमेंट पॉलिसी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से पूछते हैं क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना है, PMJDY, कौशल विकास योजना है, इस पर क्वेश्चन करते हैं, मुद्रा योजना है, मनरेगा है, सुकन्या समृद्धि, बेटी बचाओ, DBT पहल, ये LPG के लिए जो आया था, जैम ट्रिनिटी, ठीक है, जनधन आधार मोबाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, अटल पेंशन योजना, इधर पे आप बहुत सारा और देख सकते हो। लेकिन स्कीम अगर हम देखें ना, पिछले 2 सालों में ही कम से कम 100 के करीब में स्कीम निकल गई होगी, नई नई, तो वो 100 तो कवर होना मुश्किल ही, इम्पॉसिबल की तरह है कि 100 आप पूरा याद कर जाओ, एटलीस्ट इतना याद कर जाओ। आप पूछते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसी लेकर के, ज़रा बताओ, तो आप अगर इनमें से भी दो तीन नाम ले ले तो आप बच जाओगे, आपका नुकसान नहीं होगा, बहुत फ़ायदा भी नहीं होगा लेकिन नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये सब कॉमन टॉपिक है, पढ़ लोगे पेपर में, इंटरव्यू में पूछा पूछा, नहीं पूछा तो अपना नॉलेज ही बढ़ेगा, लेकिन पूछता ही है, ठीक है। रेगुलेटर्स के ऊपर में सवाल डेफिनेटली पूछते हैं, बेसिकली बैंक के पेपर में तो, बैंक के इंटरव्यू में, IBPS, PO, SBI, PO में तो रेगुलेटर्स पे करते ही करते क्वेश्चन, RBI, NABARD, SIDBI, IRDAI, PFRDA, SEBI, TRAI, बहुत सारे और हैं, एटलीस्ट इतने को कर जाइए, एटलीस्ट। RBI क्या है, कब बनी, क्या करती है, हो सके चेयरमैन का नाम, गवर्नर का नाम, नबार्ड क्या है, कब बनी, क्या करती है, समझे, तो जितनी भी रेगुलेटर्स है उनका क्या रोल, SEBI क्योंकि ये तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, कैपिटल मार्केट के रेगुलेटर है, तो इसके ऊपर में सवाल पूछते हैं, और कहीं ना कहीं इन सब को रिलेट करने देंगे किससे, एक्सपोर्ट से, ट्रेड से, क्यों, जो आपका डोमेन बन जाएगा आगे चल के, तो आप इनकी कैसे मत लोगे। तो भाई एक्सपोर्ट में ECGC और नबार्ड क्या रोल प्ले कर सकते हैं, एग्रीकल्चर आउटपुट का भी एक्सपोर्ट होता है, तो नबार्ड एग्रीकल्चर सेक्टर को देख रही है, ECGC एक्सपोर्ट सेक्टर में कहीं ना कहीं ट्रेड को फैसिलिट करी है, तो दोनों तो मिलकर काम करिए। सिमिलरली SIDBI भी, IRDA भी हो सकती है कुछ सेक्टर में, आप इसको रिलेट कर दो ना कुछ तो मिल ही जाएगा, PFRDA से भी ये तो डेफिनेटली करिए, हो सकता है ट्राई ना मिल पाए, लेकिन फिर भी रफ आइडिया रखेंगे तो जवाब देने में के पास में, मेरे पास में कुछ होगा, अगला मेरे को फंसा नहीं सकता। और भी रेगुलेटर एटलीस्ट इतना करिए, मिल कुछ भी ये हो जाए उसके बाद नेक्स्ट पे जाइए। हाँ, करंट टॉपिक में ये इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या एटलीस्ट आप देखिए जो चल रहा है न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा, तो PNB स्कैम ये तो मेरे हिसाब से हर कोई कर लिया होगा, लेकिन क्या गारंटी कि लोग, क्योंकि सामने वाले को पता नहीं कि PNB तो ये पक्का पढ़ के आया होगा, तो आपको क्या करना है, जो पुराने स्कैम हो गए, बड़े बड़े स्कैम हो गए, CAG वाला स्कैम हो गया, इधर उधर जितने भी हर्षद मेहता स्कैम, केतन पारी के स्कैम, तो एक पे एक स्कैमर है, थोड़ा बहुत उनका भी रफ आइडिया ले ले, क्योंकि हो सकता है ये ना पूछ करके बोले भाई बताओ कि इंडिया में फेमस स्कैम क्या क्या है, ये PNB का स्कैम तो फेमस है, इसके अलावा क्या क्या जानते हो, तो माल्या साहब दिमाग में आएंगे, तो ऐसे याद रखना होगा, क्योंकि आप साइलेंट नहीं रख सकते पेपर में, इंटरव्यू के सामने तो कुछ ना कुछ आपको एटलीस्ट बोलते रहना चाहिए, तो थोड़ा ठीक लगता है कि चलो अगले पास नॉलेज है। ये स्विफ्ट क्योंकि PNB स्कैम में कहीं ना कहीं बीच में आया, LOU वगैरह ये सब वर्ड देख लेंगे। ऑयल प्राइजेस क्या हो रही है, बढ़ रही है, अब पहले घट रही थी, घटी तो क्या फ़र्क पड़ा, बढ़ी तो क्या फ़र्क पड़ा, ट्रेड में क्या फ़र्क पड़ा, इकोनॉमी में क्या फ़र्क पड़ा, बिल्कुल देखना होगा। सीरिया में जो सिविल वार चल रही है, IS, IS, ISIL एकदम देखेंगे इस चीज़ को।
डबलिंग फार्मिंग पे मोदी साहब ने फिर से स्पीच दिया है कि हम फिर आने वाले 2 सालों में किसानों की आय को डबल कर देंगे। अभी इतने दिन में तो स्ट्रैटेजी लेके चले, वो तो शायद इम्प्लीमेंट सही से नहीं हो पाई। अभी 2 साल में क्या करेंगे, तो आपको दिमाग में रखना होगा कि भाई अभी 2 साल में क्या किया जा सकता है और आपके हिसाब से क्या क्या सजेशन है। आधार, ये हर बार विवाद में आ जा रही है, इसको देखेंगे। और आधार को इतना इम्पोर्टेंट बनाया जा रहा है तो ये भी, इसको भी देखेंगे, आधार का पूरा मुद्दा देखेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है कुछ समय में, इसको भी, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सिंगल ब्रांड में रिटेल का विरोध हर सरकार करती आई पिछले 10-20 सालों में, जब से ये FDI का कंसेप्ट प्रॉपर आया, हर सरकार, हर लोगों ने इसका विरोध किया कि सिंगल ब्रांड में आप FDI को ना अलाउ करो। लेकिन इस बार लास्ट मंथ में ये 100% अलाउ कर दिया गया, काफ़ी बड़ा मुद्दा हुआ था। तो पूछ सकते हैं आपसे पेपर में, इसलिए क्योंकि फिर आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जुड़ने जा रहे हैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, बिजनेस में मदद करती है। ये चीज़ एकदम डेफिनेटली आपसे जुड़ जाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ PSU बैंक्स, अब देखते हैं हर जगह पे प्राइवेट प्राइवेट करने की बात की जा रही है, बहुत सारी, जैसे एयर इंडिया को प्राइवेट करने की बात की जा रही है, बैंक्स को प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही है। क्या क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों को रेडी करके जाएंगे। कैनेडियन PM ट्रूडो साहब विजिट पर हैं, उनके बारे में थोड़ा देखना होगा, ठीक है। ऐसे ही जो भी फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं या अपने देश के कोई लोग बाहर जाते हैं, तो उस एक्टिविटी को कवर अप करना ज़रूरी होता है पेपर के लिए। तमिलनाडु में वाटर डिस्प्यूट है, पिछले 1 साल से चल रहा है कावेरी के ऊपर में, इसको पढ़ के जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का भी और अलग डिफरेंट कोर्ट का कुछ ना कुछ वर्डिक्ट आ रहा है इसके ऊपर में, देखेंगे। कोल माइन को प्राइवेटाइज करने के ऊपर में काफ़ी बहस चली, बिल विल बना कर लेकर के आ रहे हैं। तो प्राइवेटाइजेशन के ऊपर में ये गवर्नमेंट बहुत फोकस कर रही है, और सब चीज़ अब सरकार के हाथ से निकल जाएगी तो केवल टैक्स से पैसा कमाना चाहते हैं। यानी कि ना हम रेगुलेट करेंगे, ना हम एफर्ट लगाएंगे, हमने आपके हाथ में दे दिया, आप जो करना है करो, हमको बस टैक्स पे करो, आप हमको चार्ज पे करो, या हमको इतनी जो भी बनती है हमारी पे करो, यानी कि हम कुछ करेंगे नहीं, बस मेरे को पैसा चाहिए। लेकिन उससे क्या होगा, जो भी कोल माइनिंग का जो इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप देखते और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी सेक्टर में, क्योंकि फिर भी गवर्नमेंट रेगुलेशन में है तो चीज़ें थोड़ी कंट्रोल रहती है। लेकिन जब प्राइवेट प्लेयर के पास में चली जाएगी तो फिर वो तो केवल खनन करेगा अपने प्रॉफिट के लिए, अपने प्रॉफिट में तो इन्वायरमेंट का लॉस, लोगों का लॉस, और माइनिंग सेक्टर इतना सीरियस सेक्टर है कि आए दिन डेथ कैजुअलिटीज होती रहती हैं। सेफ्टी मेजर शायद मेंटेन न करे, काफ़ी सस्ते रेट पर लोगों से काम कराया जाए, ये सब चीज़ें इशू आ सकती है। फिर भी गवर्नमेंट इसके पीछे जा रही है, आपको टॉपिक कवर करना होगा। इंडो पाक बॉर्डर डिस्प्यूट जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, इन्फिल्ट्रेशन होती है, बाहर के मिलिटेंट्स आते हैं, इसको देखना होगा। गोवर्धन, मेरे हिसाब से नाम काफ़ी है, आपने देख लिया होगा अभी तक, फिर भी इसको देख लें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी, सोशल मीडिया में भी इसका मजाक ही उड़ाया गया कह सकते हैं, आप देखेंगे। फिर भी NGOs, SSG, ये बहुत फेवरेट टॉपिक है, ये काफ़ी फेवरेट टॉपिक है इंटरव्यू के, इसको करके जाना होगा। UPI जैसा डिजिटल बैंकिंग में, ये भी पूछते बहुत बार। नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस बहुत हद पे चल रहा हुआ, जिस तरह से BJP इंटरवीन करी नॉर्थ ईस्ट के सेक्टर में, तो पॉलिटिकल क्राइसिस लेकर के आ गई पूरी, इसको कवर अप कर लीजिएगा, कुछ पूछ सकते हैं आपसे। RBI ने अपने पूरे NPA के रिकवरी के पैटर्न को ही चेंज कर दिया, जो पुराने स्कीम्स थे, जो पुरानी तकनीकें थी, उसको चेंज करके नए लेकर के आ गए हैं, इसको भी कवर करके जाएंगे। NPA वाले टॉपिक में हो जाता। मर्जर ऑफ बैंक्स काफ़ी ज़्यादा चला, लास्ट डे भी जेटली साहब ने कहा था कि बैंक मर्जर पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं, कमिटी भी बनाई, हेड भी बन गए, शायद नियर फ्यूचर में हम देखें कि 1 साल 2 साल में कुछ इसका रिजल्ट निकले, आप इसको पढ़ के जाएंगे। मर्जर ऑफ इंश्योरेंस, ये तो फिर होना तय है, NICL, OICL, GICL, इन सब को मिला करके, और NISCL में सबको मर्ज करने वाले, इस तरह से कुछ मर्ज करके नई बॉडी बना देंगे, क्योंकि चार चार हैं और चारों शायद अपने में कम्पीट कर रही हैं, इसका क्या फ़ायदा, इसका क्या नुकसान, अगेन आप देखना चाहिए। टैक्स कंप्लाइंस और डीमोनेटाइजेशन, काफ़ी इकोनॉमिस्ट ने डीमोनेटाइजेशन को अलग अलग चीज़ों से जोड़ा, कुछ ने कहा कि डीमोनेटाइजेशन से क्या हुआ कि टैक्स कंप्लाइंस को बढ़ाने में काफ़ी मदद मिली, क्योंकि जो लोग टैक्स को, सॉरी टैक्स का क्या ना, इनकम को कैश के सोर्स में लेकर के अपने जेब में रख रहे हैं,
वो एक हद तक रिड्यूस हुआ, और जब वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हुआ तो उस पर टैक्स भी लोगों को पेने मजबूर हो गया उनका, पे करना उनकी। तो हो क्या रहा है कि कहीं ना कहीं डिमोटेशन टैक्स कंप्लायंस बढ़ा, लोगों ने टैक्स ज़्यादा पे किया। तो अदर डिमोटेशन का क्या क्या एक्सपेक्ट निकल के आया, फ़ायदा क्या हुआ, लॉस क्या हुआ, थोड़ा रख के जाना होगा दिमाग में, ठीक है। तो ये एंड करते हैं हम लोग यहाँ पर, और भी कुछ टॉपिक्स आपके दिमाग में आएगा तो आप उसको करेंगे, ठीक है। और अगर कुछ समय हो पाता है तो कुछ कुछ टॉपिक्स पर डिस्कशन भी करेंगे। चलिए, धन्यवाद।